सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। इस कहानी के लेखक हैं सुहेल सिंघानिया। काली दुनिया से लौटने के बाद तानिया की जिंदगी बहुत ज्यादा बदल गई थी। उसको हर पल हर जगह ऐसा लगता कि वो साया उसके साथ है। ऑफिस में काम करते टाइम ऐसा लगता कि वो उसके पीछे खड़ा है, उसके बालों पर हाथ फेर रहा है। घर पर जब भी वो अकेली होती तो उसको यही लगता कि वो उसको देख रहा है। उसकी आवाज हर पल उसके कानों में आती और जब वो डर कर पीछे मुड़कर देखती तो वो धुआं बनकर गायब हो जाता। उसकी महज हंसी वहां गूंजती रह जाती। यहां तक कि जब वो बाथरूम में नहा रही होती तो वो वहां भी उसको अकेले नहीं छोड़ता था। रात को जब बिस्तर पर जाती तो वो उसके बराबर में आकर लेट जाता। वो डरती डरती अपनी आंखें बंद कर लेती थी, लेकिन उसकी गर्म सांसें और ठंडे हाथों को अपने शरीर पर चलते हुए महसूस करती। सुबह जब वो उठती थी तो उसको अपने अंदर एक अलग ही तरह की कमजोरी का एहसास होता था, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो उसकी मौत तय है। देवेंद्र भी तानिया के बदलते बिहेवियर और शरीर में आ रही कमजोरी को बढ़ता देखकर अब बहुत ज्यादा परेशान हो उठा था। तुम आज से ऑफिस नहीं जाओगी, अपनी हालत देखो, कितनी कमजोर हो चुकी हो तुम। ना ठीक से खाती हो, ना ढंग से सोती हो। रात को तुम्हारे कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तुम किससे बात करती हो? मैं आराम करना चाहती हूँ पापा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसका जवाब सुनकर देवेंद्र उसके कमरे से निकल आया। उसकी मेड मालती ने देवेंद्र को परेशान देखा तो उसने अपनी राय देते हुए कहा, साहब बेबी जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है इनके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। यह सुनकर देवेंद्र ने कुछ सोचा और फिर मालती से बोला, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तुम तानिया का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है साहब। देवेंद्र वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह साया तानिया को नजर आया और वो बोला, तुम्हारी ये वफादार नौकरानी अब जिंदा नहीं रहेगी, इसको मेरे बारे में पता चल गया है। नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे, उसने सिर्फ अंदाजा लगाया है। नहीं, वो मरेगी। ऐसा कहकर वो तानिया के करीब चला गया और उसके शरीर में समा गया। शाम हो चुकी थी और देवेंद्र अभी तक घर नहीं लौटा था। मालती हॉल में बैठी थी, अचानक उसके कानों में तानिया के हंसने की आवाज आने लगी। ये क्या हो गया बेबी जी को, ये इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है? वो उसके कमरे के अंदर पहुंची तो देखा कि तानिया बेड पर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे को ढके हुए थे। तानिया बेबी जी, क्या हुआ? तानिया बस हंसे जा रही थी और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने जैसे ही तानिया के कंधे पर हाथ रखा, उसने एक झटके से उसकी तरफ देखा। तानिया उस पर झपटी और अपने तेज पंजों से उसके चेहरे पर हमला कर डाला। बेबी जी, ये आप क्या कर रही हैं? तभी तेज शोर करते हुए दरवाजा खोला और उस कमरे में देवेंद्र, अमित और तांत्रिक मुनिवर पहुंच गए। तांत्रिक मुनिवर ने जल्दी से मंत्र पढ़ते हुए अपने कमंडल से पानी निकालकर उसके ऊपर फेंका। देवेंद्र ने मालती को संभाला और उसको सहारा देकर खड़ा कर दिया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल पूर्णमासी की रात को तानिया को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगा। तानिया हंसते हुए अचानक से बेहोश होने लगी। उसके जमीन पर गिरने से पहले ही अमित ने उसको थाम लिया और बेड पर लिटा दिया। अब आगे क्या करना है बाबा, क्या कल रात वो मेरी बेटी को? इस दुनिया की कोई भी शक्ति इस साये पर काबू नहीं कर सकती। अब हमारे पास इस साये को वापस काली दुनिया में भेजने का बस एक ही रास्ता है। ऐसा कहकर तांत्रिक मुनिवर बाबा ने अमित की तरफ गौर कर देखा और अमित भी समझ गया कि उनका इशारा किस तरफ है। अगली रात तानिया अपने कमरे में बेड पर पड़ी थी। उसके पास बैठा देवेंद्र अपनी बेटी के चेहरे को देखता और फिर घड़ी की तरफ नजर घुमाता। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजाने जा रही थी, वैसे ही उसके चेहरे का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमित तांत्रिक मुनिवर के सामने उसी जगह पर बैठा हुआ था। तांत्रिक मुनिवर ने अपनी मंत्र शक्ति से इस बार अकेले अमित को काली दुनिया में भेजा।
अकेले जाने का मतलब था कि जब वो वापस आएगा तो उसके साथ एक आत्मा जरूर मौत का साया बनकर उसके साथ इस दुनिया में आ जाएगी। लेकिन तानिया को बचाने के लिए अमित ये जोखिम उठाने को तैयार हो गया। उसकी आत्मा फिर से काली दुनिया के अंदर खड़ी थी। चारों तरफ ठंडी हवाएं, वही जानवरों का शोर, वही आत्माओं के हंसने और रोने की भयानक आवाजें। इस बार वो अकेला था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ा दिए। पूजा, 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 तुम कहाँ हो? ये आज नहीं बचेगा। चला जा, वरना मारा जाएगा। उसके कानों में ऐसी आवाजें आने के बावजूद वो चला जा रहा था। उसको बार बार महसूस होता कि कोई साया कभी उसके पीछे, कभी सर के ऊपर, तो कभी सामने से गुजर रहा है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। कुछ देर बाद उसको पूजा उसी तरह जमीन पर बैठी रोती हुई नजर आई, जैसे पिछली बार दिखाई दी थी। पूजा, क्या ये तुम ही हो? तभी वो उस पर झपट पड़ी और खून सी लाल आंखों से उसको देखने लगी। इस तरह तांत्रिक मुनिवर भी अपने एक साथी के साथ तानिया के घर पहुंच चुका था। अब मैं तानिया को साए से बचाए रखने के लिए एक विधि करने वाला हूँ। इसमें जान जाने का खतरा है। तुम दूसरे कमरे में चले जाओ और जब तक मैं खुद वहां नहीं आ जाता उससे बाहर नहीं निकलना। उसकी बात सुनकर देवेंद्र कमरे से बाहर निकल गया। तांत्रिक मुनिवर ने अपने साथी को एक इशारा दिया और उसने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर अपने गले से ओम का लॉकेट उतारकर तानिया के माथे पर रखा। तभी तानिया ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। उसने तांत्रिक का गला पकड़ा और दीवार की तरफ उसको धक्का दे दिया। नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। ऐसा कहकर वो रूम से बाहर भाग गई। दोनों तांत्रिक अब उसके पीछे भागे। अब वो उनके साथ मानो लुक्का छिपी खेलने लगी। कभी दीवार के पीछे छिप जाती तो कभी सोफे के पीछे छिप कर खूब हंसती, फिर दोनों के बीच आकर उनको ललकारने लगती। जो करना था कर लिया ना तुम लोगों ने, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर तानिया मुनिवर के साथ ही उस दूसरे तांत्रिक पर झपट पड़ी। उसने तांत्रिक का गला पकड़ा और उसके गर्दन को पूरे पीछे तक घुमा दिया। उसकी गर्दन से खून निकलकर उछटने लगा। उसका शरीर ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तानिया के शरीर के अंदर समाया हुआ वो साया धीरे धीरे तांत्रिक मुनिवर की तरफ बढ़ रहा था। तांत्रिक मुनिवर मंत्र पढ़ते जा रहा था लेकिन उस साये पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही वो मुनिवर के करीब पहुंचा तो बीच में अचानक से अमित आकर खड़ा हो गया। रुक जाओ, अब तुम किसी को नहीं मार सकते और तानिया को भी तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तुझे लगता है तू मुझे रोकेगा? मैं जानता हूं इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे नहीं रोक सकती, इसलिए मैं तेरी ही दुनिया से अपने साथ इसको लेकर आया हूं। उसके इतना कहते ही वहां एक रोशनी सी हुई और पूजा की आत्मा सबको नजर आने लगी। पूजा ने आगे बढ़कर तानिया का गला पकड़ लिया। छोड़ दे इसके शरीर को और अपनी उसी दुनिया में मेरे साथ चल, जहां तेरा असली ठिकाना है। अब उस साए ने एक ही झटके में तानिया का शरीर छोड़ दिया। इस बार भी अमित ने तानिया को गिरने से पहले ही थाम लिया। पूजा की आत्मा ने उस साए का गला पकड़ रखा था और वो उसको साथ ले जाने को तैयार थी। पूजा, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमको वापस तो नहीं ला सकती लेकिन तुम्हारे कातिल को सजा जरूर दिलवा सकती हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारा खून किसने किया था? पुलिस को तुम्हारी लाश तो मिली लेकिन तुम्हारा आधा शरीर अभी भी उनको नहीं मिल पाया है। वो कहाँ पर है? केशव, मुझे केशव ने मारा और मेरे शरीर का आधा हिस्सा उसी के घर के बेसमेंट में पड़ा हुआ है। ऐसा कहकर पूजा ने उस साए का गला अपने दोनों हाथों से पकड़ा और मुंह में कुछ बुदबुदाया। फिर वो दोनों किसी धुएं की तरह वहां से गायब हो गए। वो दोनों काली दुनिया में पहुंच चुके हैं। अब वो मौत का साया तानिया के पीछे कभी नहीं आएगा। मुझे पूजा को मुक्ति दिलाकर उस काली दुनिया से उसकी आत्मा को निकालना है। उसकी मुक्ति के लिए मैं उसके कातिल को सजा दिलवा कर रहूंगी। अगले दिन तानिया ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को सब कुछ बताया लेकिन उन्होंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। फिर जब उसने कहा
कि पूजा के शरीर का बाकी हिस्सा केशव के बेसमेंट में मिलेगा, तो पुलिस ने उसके बेसमेंट की तलाशी ली। वहां उनको पूजा की लाश का बाकी हिस्सा मिल गया। फिर केशव को जेल में डाल दिया गया। पूजा का शव पूरा हो जाने के बाद पूरे विधि विधान के साथ तान्या ने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। इस तरह पूजा को काली दुनिया से और तान्या को उस मौत के साए से छुटकारा मिल गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।